नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मौजूदा स्थिति ने लोगों को कई तरह के अनुभव कराए हैं, क्योंकि भयावह स्थिति में मदद के लिए लोगों की निगाहें सिर्फ उन्हीं को निहारती हैं जिनको उन्होंने खुद चुना है और सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने अपना कीमती वोट देकर चुना है, क्या वो आज जनता के साथ खड़े हैं या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के बाद सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं? क्या है जमीनी हकीकत? करेंगे पड़ताल। खास कार्यक्रम नेताजी कहां है में। सुनो नेताजी कहां है। तो जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुना, वहीं इस मामले में कई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से नदारद हैं। अब आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर, जहां न्यूज वन इंडिया की टीम ने कादीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश गौतम का रियलिटी चेक करने पहुंची तो पता लगा कि विधायक जी क्षेत्र भ्रमण पर निकले हैं। हमारी टीम ने जब विधायक जी से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मुलाकात नहीं होगी, आने में टाइम लगेगा। सभा में स्थित कादीपुर विधानसभा में, जहां पर राजेश गौतम जी विधायक हैं, हम उनके आवास पर आए हैं, लेकिन चूंकि विधायक जी यहां पर नहीं हैं इसलिए मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है और वो कहीं क्षेत्र में निकले हुए हैं। लेकिन यहां आते आते जिस तरह का विकास हमको दिखा, विकास गंगा यहां पर बह रही है, पूरी तरह से सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, जलमग्न हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। उनसे फ़ोन पर जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो क्षेत्र में निकले हुए हैं, किसी के यहाँ गए हुए हैं, लौटने मुलाकात होगी उनसे। हम वहाँ पहुँचे हैं सुल्तानपुर के लोकसभा में स्थित कादीपुर विधानसभा में, जहाँ पर राजेश गौतम जी विधायक हैं, हम उनके आवास पर आए हैं, लेकिन चूंकि विधायक जी यहाँ पर नहीं हैं इसलिए मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है और वो कहीं क्षेत्र में निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ आते आते जिस तरह का विकास हमको दिखा, विकास गंगा यहाँ पर बह रही है, पूरी तरह से सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, जलमग्न हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। उनसे फ़ोन पर जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो क्षेत्र में निकले हुए हैं, किसी के यहाँ गए हुए हैं, लौटने मुलाकात होगी उनसे। हम बीजेपी विधायक राजेश गौतम से जब मुलाकात नहीं हुई तो न्यूज वन इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बात की और जानने का प्रयास किया कि विधायक जी इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन जनता ने विधायक जी के बारे में जो कहा वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जनता ने न्यूज वन इंडिया से बताया कि विधायक जी की सारी बातें सिर्फ कागजों पर चल रही हैं, विधायक जी कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, क्षेत्र में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं है और ना ही उनको चिंता है। विधायक जी ने स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ नहीं किया। जनता ने यह कह दिया कि इस बार तो इनको वोट दे दिया है, अब इनको वोट नहीं देंगे। आपके क्षेत्र के विधायक राजेश गौतम जी हैं, तो कोविड महामारी चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो गरीबों की किस तरह मदद कर रहे हैं? महामारी में तो कोई मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही पेपर में एक दिन पढ़े थे जो है वो अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट हो रहा था उसी का जो है उद्घाटन किए थे जी। और उस तो जो और जो मरीज के लिए जो मदद मिल रहा है सरकार से मिल रहा है, जैसे कि राशन वगैरह है ये सब, बाकी कुछ दुकान खोलने में भी जो है पुलिस छूट मिली है, सुबह से जो है 11 बजे तक छूट मिला है खोलने के लिए, वो भी ठीक है। बाकी विधायक की वजह से कुछ कोई वो नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता क्या विधायक जी? अब इधर तो नहीं दिखाई देते हैं, कभी कभी वैसे चार चक्के जाते होते रहते हैं, गाड़ी पर निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं। हाँ रुकते हैं, अब मिलना है जैसे विधायक हैं तो दो चार लोगों से अपना मिल लिए बस। फौरी तौर मुलाकात करते हैं, निकल लेते हैं जी। प्रधान विधायक जी आपके राजेश गौतम जी यहाँ से विधायक हैं, तो क्षेत्रवासियों के लिए कोविड महामारी में किस तरह से गाँव में व्यवस्था है, किस तरह से उनकी व्यवस्था चल रही है बताएंगे? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सब बुरा ही हाल है सबका, ऐसा है। व्यवस्था नहीं कर रखी है? कोई नहीं है। यहाँ से जो दो मिलती है वो क्या मिलती है? जो सीएससी है, पीएससी है, उन पे जो दवाएं मिलती हैं हॉस्पिटल में उन पे जो ग्रामीण भाग है वहाँ पे कुछ वहाँ तक कुछ पहुँचता नहीं है, ग्रामीण भाग तक। शहरों में तो है, जो ग्रामीण भाग है वहाँ तक कुछ नहीं पहुँचता है।
कैमरा में कोई दिखने नहीं चल रही है ना, कुछ नहीं है। राज गौतम जी, आपके यहाँ के विधायक हैं, तो किस तरह से वो कोविड महामारी में कार्य कर रहे हैं कुछ बताएंगे? अब क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो समाज देख रहे हैं। अब जो करेंगे अपने लिए सही करेंगे या गलत करेंगे, तो हमारे सबके लिए क्या करेंगे? तो कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हमारे गांव अंत्योदय हुआ तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अंत्योदय के नाम से रानी अंत्योदय के नाम पे कुछ करेंगे? कुछ नहीं हुआ गांव में जी। आपके क्षेत्र के विधायक राज गौतम जी हैं, तो उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास किया? नहीं किया, कुछ नहीं किए, कोई विकास नहीं है, बहुत खराब। अस्पताल पर दवा है, डॉक्टर हैं, न कहीं ऑक्सीजन है, यही है व्यवस्था। कोविड महामारी में भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, एक एक गांव 20-20 लोग, 22-22 लोग एक एक महीने मर रहे हैं। कोई वहां पर सीसी की व्यवस्था, कोई मेडिकल टीम कुछ कुछ नहीं जा रही है? कुछ नहीं, सब जीरो है, केवल फॉर्मेलिटी के नाम पे खाना पूर्ति है। और जनता की राय जानने के बाद न्यूज वन इंडिया के रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक राजेश गौतम फेल साबित हुए हैं। जनता की राय आपने सुनी, राजेश गौतम जो है वो यहाँ पर नहीं आते हैं, मिलते हैं दो चार लोगों से, मिलते हैं चले जाते हैं, कार से आते हैं निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता उनका। तो रियलिटी चेक किया हमने यहाँ पर, और राजेश गौतम जो विधायक हैं वो फेल साबित हुए हैं।